नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों मौसम विभाग से। लेकर किसी भी राज्य में किसी भी सर्दी कोई भी अपडेट आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। आज हम इसमें बात करने वाले हैं 48 घंटों में कौन कौन से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई, साथ में कौन कौन से राज्य है जहाँ पर तेज बारिश के साथ में तेज आंधी आने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई दोस्तों। हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग से लेकर किसी भी राज्य अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। साथ में दोस्तों आपके शहर और जिस राज्य से लोग होते हैं आप जरूर कमेंट करें, ताकि आपके राज्य और आपके शहर की मौसम से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाते रहे। साथ में दोस्तों चैनल पे नहीं तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर जरूर कर दे, ताकि सभी तक ये महत्वपूर्ण बात अपडेट है वो पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली NCR में अचानक से बदला मौसम, धूल आंधी के साथ में भारी बारिश। यह दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत NCR में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। वही राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान है। वही धूल भरी तेज हवाओं से चारों ओर धूल छा गई। वही सड़कों से लेकर आसमान तक धूल ही धूल दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में अचानक से तेज आंधी के साथ में अंधेरा छा गया और दिल्ली NCR में हल्की बारिश भी यहां पर दर्ज की गई है। मौसम विभाग को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है, बारिश के प्रकोप से 25 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आज मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण निर्मान सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बनाने के कारण पूर्वी भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में भी बारिश भारी बारिश है वो यहाँ पर दर्ज की गई। इसके अलावा एक सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगभग सभी शहरों में तापमान बढ़ेगा। गर्मी से यहाँ बुरा हाल होने वाला। वही मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आंधी आने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। वहीं अगले 36 घंटों में दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में बारिश और गरज के साथ में बूंदाबांदियों की जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। एक अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने फतेहपुर, बलिया, कासगंज आदि में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त कर दिवंगतों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही है। वही बात करते हैं दोस्तों कि जी हां दोस्तों, मानसून की बात करें तो जानिए मुंबई, केरल, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कब तक पहुंचने वाला है। देश में इस समय प्री मानसून असर देखा जा रहा है। वर्ष 2020 के मानसून का सीजन अब शुरू ही होने को है। 4 महीने के इस मानसून सीजन को लेकर इस बार देश भर में उम्मीदों और अटकलों का दौर है। इसके पीछे कारण यह है कि मानसून पर ही देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। अच्छा मानसून हो या खराब मानसून, दोनों हालतों में देश की खेती और बाजार प्रभावित होते। देश में मानसून की आमद सबसे पहले अंडमान सागर में होती है, इसके बाद केरल और मुंबई से होते हुए पूरे देश में छा जाता है। अमूमन 1 जून को केरल तक आने से 10 दिन पहले मानसून अंडमान सागर में दस्तक देता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आमतौर पर 20 मई के इर्द गिर्द ही अंडमान सागर पर यह पहुंच पाता है। 5 दिनों के बाद में श्रीलंका पर 25 मई तक दस्तक दे देता है। भारत के मुख्य भूभाग पर केरल के रास्ते 1 जून को आमतौर पर मानसून के 4 महीनों का सिलसिला शुरू होता है। बदल गया मानसून का मिजाज। जी हाँ दोस्तों, मालूम हो कि बीते कुछ वर्षों में मानसून के आगमन और समापन का समय बदल चुका है। इसमें करीब 1 सप्ताह का अंतर आया। विशेष रूप से मध्य पूर्वी भारत के हिस्सों में 3 से 7 दिनों की देरी से इस बार मानसून का आगमन होगा। दूसरी तरफ उत्तरी पश्चिमी भारत में पहले आगमन और देर से समापन की तारीख तय की कि इस बार किस राज्य में कब तक पहुंचेगा मानसून। जी हां दोस्तों, देश में मानसून का आगमन इस बार थोड़ी देरी से होगा। स्काईमेट वेदर के अनुसार आमतौर पर यह जून के पहले सप्ताह में देश में आ जाता है, लेकिन इस बार इसे दूसरे सप्ताह में लग सकता है। इस क्रम में मुंबई में मानसून जून के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है। यहां 11 जून तक आमद दे सकता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मानसून इस बार 3 से 7 दिन पहले इतने ही देरी से आने की संभावना। वही बात करें उत्तरी और पश्चिमी भारत में मानसून 15 जुलाई की बजाय इस बार 8 जुलाई से देखा जा सकता है। दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मौसम विभाग से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे।